हर हफ्ते दो नई मल्टी क्विजीन रेसिपीज को बिल्कुल क्विक, सिंपल और इजी तरीके से घर पर बनाने के लिए माई फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू माई फ्लेवर्स। आज हम भिंडी दो प्याज़ा बनाने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही टेस्टी और ईजी टू कुक भिंडी की सब्जी है। तो आइए जल्दी से देखते हैं स्पेशल भिंडी की सब्जी भिंडी दो प्याज़ा के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए हम आधा किलो भिंडी लेंगे, जिन्हें धोकर पोंछ लेंगे और फिर इन्हें एक इंच लंबे पीसेस में काट लेंगे। अनियन क्यूब्स के लिए प्याज को चार पीसेस में कट कर लेंगे। अगर प्याज बड़ा है तो उसे छह पीसेस में काट लेंगे। प्याज की ऊपर की बड़ी लेयर्स को खोलकर अलग कर लेंगे और नीचे के छोटे पीसेस को ग्रेवी के लिए हम अलग रख लेंगे। इतनी भिंडी के लिए मैं लगभग एक कप अनियन क्यूब्स ले रही हूँ। आप इसकी क्वांटिटी अपनी पसंद से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। भिंडी की सब्जी में मसाले के लिए हम तीन से चार छोटे या डेढ़ बड़ा प्याज और क्यूब्स काटने के बाद बीच में से बचा हुआ प्याज लेंगे, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 1.5 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे। मैंने इन तीनों को एक साथ फूड प्रोसेसर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, पर आप चाहें तो इनका पेस्ट भी बना सकते हैं। हमें लगभग 1 से सवा कप के बराबर लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट चाहिएगा। 2 से 2.5 मीडियम साइज के टमाटर लेकर उन्हें या तो बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे या फिर इनको भी प्योरे कर लेंगे। 2 से 3 हरी मिर्च को मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालकर गरम करेंगे और फिर इसमें कटी हुई भिंडी, आधा टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून चीनी डालकर मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम और लो के बीच में रखते हुए भिंडी को 90% तक कुक होने व भिंडी का लेस छूटने तक पकाएंगे। फ्राइड भिंडी को अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब सब्जी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 5 से 6 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। तेल गर्म होने पर इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। जब जीरा गोल्डन हो जाए तब इसमें कटे हुए या पेस्ट करे हुए लहसुन, अदरक और प्याज डाल देंगे। फ्लेम हाई करके प्याजों को पकाएंगे। जब प्याजें गुलाबी हो जाएं तब इसमें चॉप्ड या प्यूरे करे हुए टमाटर डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक कुक करेंगे। 1 मिनट बाद इसमें हम ऐड करेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को तेल छूटने तक भून लेंगे। जब मसालों में तेल छूट जाए तब इसमें फ्राई करी हुई भिंडी, प्याज के क्यूब्स और हरी मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे। सब्जी पर ढक्कन लगाकर फ्लेम मीडियम से लो करके भिंडी पकने तक व प्याजों को हल्का सा नरम होने तक पकाएंगे। ध्यान रखिए, हमें प्याजों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। गर्मा गर्म भिंडी दो प्याजा को चपाती, पराठे या नान के साथ सर्व करें। आप इस मसालेदार भिंडी की सब्जी को जरूर ट्राई करें और मुझे कॉमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी रेसिपीज को रिटन में देखने के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।